विद्यार्थी मित्रों और मेरे साथी शिक्षक मित्रों, सभी को मेरा नमस्कार। पैराथायरॉयड हार्मोन के इस प्रेजेंटेशन लेक्चर में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सबसे पहले पैराथायरॉयड हार्मोन जो है, इसका जो सीक्रेशन जो है वो कहां से होता है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है, इसके जो सेल हैं, जो प्रमुख जो सेल हैं वो हैं चीप सेल्स, जिसको हम प्रिंसिपल सेल्स के नाम पे भी जानते हैं। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड के जो चीप सेल हैं वो पेप्टाइड हार्मोन, पेप्टाइड यानी कि प्रोटीन हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं। और ये पेप्टाइड या तो जो प्रोटीन हार्मोन है, प्रोटीन का बना हुआ, पेप्टाइड का बना हुआ, इस हार्मोन को हम पैराथायरॉयड हार्मोन, इन शॉर्ट PTH कहते हैं। और ये जो PTH जो है, ये एक मेजर फैक्टर है मेंटेनिंग द ब्लड कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन इन द नॉर्मल रेंज। यानी हमारा जो शरीर है उसमें कैल्शियम आयन की मात्रा जो है उसको सामान्य रखने में ये पैराथायरॉयड हार्मोन जो है एक अहम भूमिका निभाता है। अब PTH जो है, इसका सीक्रेशन जो है ये कब होता है? तो देखिए, PTH का सीक्रेशन होता है जब डिक्लाइनिंग ब्लड कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन, जब हमारे खून में कैल्शियम आयन जो है उसकी जो मात्रा है वो घट जाती है, कम हो जाती है, तो उसका रिस्पॉन्स, उसके प्रतिचार स्वरूप PTH जो है इसका सीक्रेशन होता है। और खून में कैल्शियम आयन की मात्रा कम होना, ये जो परिस्थिति है, ये जो कंडीशन है, इसको हाइपोकैल्शेमिया कहते हैं। तो जब खून में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है, हाइपोकैल्शेमिया हो जाता है, तब PTH जो है इसका सीक्रेशन होता है। और अब ये PTH जो है, जिसका सीक्रेशन हुआ है, इसका एक्शन क्या है, ठीक है, ये कैसे वापस ब्लड में कैल्शियम आयन का जो लेवल है उसको नॉर्मलाइज करता है, इसकी इफ़ेक्ट क्या है, इसके बारे में अब हम बात कर रहे हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए, एक जो तरीका है जिससे PTH जो है वो कैल्शियम आयन की मात्रा नॉर्मल करता है या तो बढ़ाता है, वो क्या है? तो देखिए, इंक्रीजिंग रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम बोन बाय स्टिम्युलेटिंग ऑस्टियोक्लास्ट। PTH जो है ऑस्टियोक्लास्ट सेल में से कैल्शियम आयन का जो रिलीज़ है बोन में से वो बढ़ा देगा। किस तरह से? देखिए, PTH जो है वो इंड्यूस करता है, ठीक है, किसको? ऑस्टियोब्लास्ट को। तो ऑस्टियोब्लास्ट में क्या होंगे, कुछ ऐसे चेंजेस होंगे जिसकी वजह से जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल जो हैं, ठीक है, बोन के, उनकी जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। और हम जानते ही हैं ऑस्टियोक्लास्ट जो है, ऑस्टियोक्लास्ट जो सेल है वो बोन ब्रेकिंग सेल कहलाए जाते हैं, ठीक है कि नहीं? तो अब PTH जो है, PTH का इफ़ेक्ट किसके ऊपर हो रहा है? PTH जो है ये ऑस्टियोक्लास्ट के ऊपर अफेक्ट कर रहा है। तो देखिए, यहाँ पे आपको कह रहे हैं रिकॉल, यानी आपको कह रहे हैं याद करिए, क्या याद करना है? रिकॉल दैट ऑस्टियोक्लास्ट आर बोन डिस्ट्रॉइंग सेल, या तो बोन ब्रेकिंग, हड्डियों को तोड़ने वाले सेल हैं ऑस्टियोक्लास्ट। यहाँ तोड़ना यानी टुकड़े नहीं कर देना, यहाँ उसमें से कैल्शियम जो है उसको रिलीज, उस संदर्भ में ये बोला जाता है बोन डिस्ट्रॉइंग। तो PTH का इफ़ेक्ट हो रहा है ऑस्टियोक्लास्ट पे, तो ऑस्टियोक्लास्ट जो है उसमें से क्या हो रहा है, बोन डिस्ट्रॉइंग का मतलब क्या कि कैल्शियम आयन जो है वो रिलीज़ हो रहे हैं। और कहाँ पे आ रहे हैं? ब्लड में आएंगे। किस तरह से आएंगे? तो देखिए, तो बाय ब्रेकिंग डाउन दी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ बोन। तो PTH जो है, PTH की इफ़ेक्ट होती है ऑस्टियोक्लास्ट पे, उसकी वजह से बोन का जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है उसमें से जो Ca2+ जो है, ठीक है, Ca2+ जो है वो कहाँ पे आता है? वो आता है ब्लड में। तो इस तरह से ब्लड में कैल्शियम की जो मात्रा कम हो गई थी, अब वो वापस ऊपर आती है, नॉर्मलाइज होती है। ये एक तरीका है, इस तरह से PTH जो है ये इस तरह से काम करता है, ठीक है।
दूसरा जो तरीका है वो भी देखते हैं हम। देखिए, तो इंक्रीजिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ डायटरी कैल्शियम आयन बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें से स्मॉल इंटेस्टाइन में से डायट्री कैल्शियम यानी हमारे खाने पीने में हम जो खाना खाते हैं उसमें से जो कैल्शियम आयन है उसका एब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ाना। किस तरह से बढ़ाते हैं, देखिए देखिए पीटीएच की जो इफ़ेक्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर वो डायरेक्ट नहीं है, वो कैसी है, इनडायरेक्ट है। और ये पीटीएच जो है स्मॉल इंटेस्टाइन पे इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट कैसे करता है, तो इसके लिए विटामिन डी जो है इसका भी इन्वॉल्वमेंट होता है। अब बात आती है विटामिन डी की, विटामिन डी जो है इसका सिंथेसिस कहाँ पे होता है, तो विटामिन डी जो है इसका सिंथेसिस जो होता है हमारी स्किन यानी हमारी त्वचा या तो हमारी जो चमड़ी है उसके अंदर विटामिन डी जो है ये बनता है, प्रोड्यूस होता है। कब, तो जो सनलाइट जो है उसमें जो अल्ट्रा वायलेट जो वेवलेंथ है, ठीक है, सर्टन वेवलेंथ ऑफ अल्ट्रा वायलेट, तो स्किन में विटामिन डी बनता है, ठीक है, सनलाइट की जो अल्ट्रा वायलेट वेवलेंथ होता है उसके अंडर विटामिन डी बनता है, ठीक है। और दूसरा जो विटामिन है, विटामिन डी है, वो कहाँ पे मिलता है, तो जो दूसरा जो विटामिन डी है जो हमारे फूड में होता है उसमें से भी मिल रहा है, ठीक है कि नहीं। अच्छा, लेकिन स्किन में जो विटामिन डी बना है वो कैसा है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, पीटीएच जो है, पीटीएच क्या करता है, किडनी को स्टिम्यूलेट करता है। पीटीएच किस पे इफेक्ट करेगा, किडनी पे। क्यों इफेक्ट कर रहा है, जो विटामिन डी जो स्किन में जो बना था वो कहाँ जाएगा, किडनी में जाएगा। तो किडनी में क्या होगा, किडनी में विटामिन डी जो इनएक्टिव था, ठीक है, किडनी में क्या होता है, किडनी में जो पीटीएच जो है वो किसके ऊपर अफेक्ट करेगा, विटामिन डी पे। तो पीटीएच की अफेक्ट की वजह से जो इनएक्टिव विटामिन डी है किडनी में, अब क्या होगा, वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा। और विटामिन डी का जो एक्टिव फॉर्म है उसको विटामिन डी थ्री या तो काल सी ट्राई ऑल, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, काल सी ट्राई ऑल या तो विटामिन डी थ्री। अच्छा, अब ये विटामिन डी थ्री जो है कालसी ट्रायोल ये क्या करता है, तो ये विटामिन डी थ्री जो है, विटामिन डी थ्री जो अब एक्टिव हो चुका है, अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें से कैल्शियम आयन का एब्जॉर्प्शन करता है। और ये एब्जॉर्ब कैल्शियम आयन जो है वो कहाँ पे आएंगे, तो वो आएंगे ब्लड में, ठीक है। तो इस तरह से ये दूसरा तरीका हुआ। अब जो तीसरा तरीका है वो देखते हैं, देखिए तीसरा तरीका कौन सा है, थर्ड मेथड पीटीएच की, तो इंक्रीजिंग रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम फ्लूइड इन द किडनी। अब ये देखिए जो फिल्टरिंग का जो प्रोसेस है किडनी में, ठीक है, तो फिल्टरिंग प्रोसेस में किडनी जो है बहुत बड़ी मात्रा में, भारी मात्रा में पानी और सॉल्यूट जो है इनको रिमूव करती है। लेकिन पानी और ये सॉल्यूट है अगर इसी तरह चले गए और जिसमें कैल्शियम आयन भी हैं, तो फिर तो ये हमारे शरीर में इसका तो लॉस हो जाएगा, पानी बहुत सारा चला जाएगा यूरिन में, सॉल्यूट जो है वो चले जाएंगे, कैल्शियम है वो भी चले जाएंगे। तो ये जो कैल्शियम आयन जो हैं वो वापस ये हमारे शरीर में आने चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है कि किडनी के जो ट्यूब्यूल जो हैं, तो किडनी ट्यूब्यूल जो हैं उनके जो सेल में से वापस पानी और सॉल्यूट्स यानी जो आयन है इनको वापस लाने का जो प्रोसेस है इसको कहते हैं ब्लड में, इसको कहते हैं ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन। और ये ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन जो है वो कैसे होता है, तो पीटीएच एक्ट ऑन दी किडनी ट्यूब्यूल सेल टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कैल्शियम आयन रिक्लेम फ्रॉम द फ्लूइड इन द ट्यूब्यूल बिफोर इट बिकम्स यूरिन एंड इज लॉस्ट टू द बॉडी, ठीक है। तो पीटीएच जो है वो क्या करते हैं,
जो ट्यूब्यूल सेल जो हैं उनके ऊपर असर करते हैं। तो ट्यूब्यूल सेल जो हैं वो क्या करते हैं, जो फिल्ट्रेट है उसमें से कैल्शियम आयन जो है उसका एब्जॉर्प्शन करेंगे, और ये कैल्शियम आयन जो एब्जॉर्ब हुए वो कहाँ पे आएंगे, तो वो आएंगे वापस ब्लड में। ये थोड़ा आपको, मैं समझ पा रहा हूँ कि ये थोड़ी जो बात है ये आपको थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, तो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है। पूरा जो सेटअप है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे, ये जो है ये लेफ़्ट किडनी राइट किडनी, ठीक है। अच्छा, किडनी का अगर इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे किडनी में आप समझ सकते हैं कि चलो भाई यहाँ पे यूरिन बनता है, ठीक है। फिर वो जो यूरिन बना वो यूरेटर में से फिर यूरिन जो है वो कहाँ पे, तो ये जो है यूरिनरी ब्लेडर, उसमें यूरिनरी ब्लेडर जब पूरा भर जाएगा, ठीक है, तो फिर क्या हम यूरिनेट करेंगे, ठीक है, तो यूरिन जो है उसको बॉडी में से बाहर हम एक्सक्रीट कर देंगे। ये बात तो इतना तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ये तो। चलिए अब किडनी जो है उसके अंदर जाते हैं, तो किडनी में देख सकते हैं आप, किडनी के अंदर होते क्या हैं, किडनी के अंदर ये होते हैं नेफ्रॉन, ठीक है। ये देखिए ये नेफ्रॉन बताए, बहुत सारे नेफ्रॉन हैं, इसके नंबर भी हम बात करेंगे, बहुत सारे हैं, लाखों में हैं। और यहाँ से ये जो नेफ्रॉन है फिर वापस, ये देखिए बहुत सारे नेफ्रॉन, और ये देख रहे हैं आप, ये एक नेफ्रॉन जो है वो बताया। नेफ्रॉन के जो कंपोनेंट हैं वो भी देख लेते हैं। देखिए नेफ्रॉन में इतना जो पार्ट है, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, बाउमेंस कैप्सूल कहते हैं, ठीक है, या तो ग्लोमेरुलर कैप्सूल कहते हैं। अब हो क्या रहा है कि यहाँ पे देखिए ये जो है एफ्रंट आर्टेरियल ये अंदर आई, ठीक है, ये इफ्रंट आर्टेरियल बाहर गई, और यहाँ पे कैपिलरी का नेटवर्क है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो कैपिलरी नेटवर्क जो है यहाँ पे, ठीक है, इसमें ब्लड जो है वो काफ़ी प्रेशर से आता है, तो ब्लड बहुत ही प्रेशर से जा रहा है, उसकी वजह से, इस प्रेशर की वजह से, और कैपिलरी की वॉल बहुत पतली है, उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे चलो यहाँ पे लिस्ट अगर बनाए तो फिर यहाँ पे पानी भी है, फिर ग्लूकोज भी है, एमिनो एसिड भी है, प्रोटीन भी है, C8+ भी है, Na+ भी है, Cl- भी है, K+ भी है, यूरिया भी है, यूरिक एसिड भी है, क्रिएटिनिन भी है, ये सारा यहाँ पे है, ठीक है, आप समझ सकते हैं ये सब है। और ये अगर ये सारे, अब ये याद रखना आपकी जिम्मेदारी, ये जो है मैंने जो यहाँ पे नाम लिखे ये सब है, इसको क्या कहते हैं, इसको फिल्ट्रेट कहते हैं। अब ये जो फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट अगर ऐसे का ऐसा चला गया तो कहाँ जाएगा, तो देख रहे हैं आप ये जो है पूरा रीनल ट्यूब्यूल है, ये फिल्ट्रेट कहाँ जा रहा है इस तरह से, ठीक है। तो ये बाद में क्या आता है, ये देख रहे हैं आप कलेक्टिंग डक्ट, ये कलेक्टिंग डक्ट में आया फिल्ट्रेट, फिर कलेक्टिंग डक्ट जो है वो कहाँ जाएंगी, ये कलेक्टिंग डक्ट यहाँ पे, ठीक है, ये कलेक्टिंग डक्ट यहाँ पे आया, ठीक है, ये तो यहाँ से फिर कहाँ पे, यहाँ से फिल्ट्रेट कहाँ जा सकता है, ये फिल्ट्रेट जो है यहाँ जा रहा है, ठीक है, यूरेटर में, फिर यूरेटर में से कहाँ जाएगा, यूरेटर में से कहाँ आएगा, यूरेटर में से आएगा ब्लैडर में, ठीक है। और फिर अगर ब्लैडर में आ गया तो फिर जब अगर हम यूरिनेट करेंगे तो फिर यूरिन के अंदर तो क्या है, तो यूरिन के अंदर तो ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, प्रोटीन है, K+, Cl-, Mg2+, Ca2+, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ये सब के सब ऐसे ही चले जाएंगे। और अगर ऐसे ही ऐसे चले गए तो इंसान जो है इंसान मर जाएगा, क्योंकि ये तो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, जो आयंस हैं वो चले गए, तो इनका रीअब्जॉर्प्शन करना ज़रूरी है। तो ये रीअब्जॉर्प्शन जो है वो किस तरह से होगा, ठीक है, तो उसकी जो बात है वो करते हैं। तो यहाँ पे अब हम, यहाँ पे हम कैल्शियम की ही बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखिए ये जो है पूरा, ये पूरा रीनल ट्यूब्यूल है, ठीक है, और उसके ऊपर आप देखेंगे तो ये कैपिलरी का नेटवर्क है, ठीक है। अच्छा, तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो है ये ट्यूब्यूल है, चलो इसके अंदर जो फिल्ट्रेट है, इसके अंदर क्या मैं लिख देता हूँ, इसके अंदर Ca2+ है, ठीक है। अब ये क्या है, ये इसके अंदर क्या, ये कैपिलरी जो है इसके अंदर क्या है, PTH है, तो PTH जो है, PTH
ये किसके ऊपर अफेक्ट करेगा ब्लड में से? तो ये जो इसके जो सेल हैं, इसके जो सेल हैं इसके ऊपर अफेक्ट करेगा, ठीक है? तो यहाँ पे अफेक्ट करेगा, ठीक है? यहाँ पे अफेक्ट, ये जो जगह है मैं बताता हूँ, पीटीएच जो है वो यहाँ पे अफेक्ट करेगा, ठीक है? इन सेल पे, ब्लड में से इन सेल पे, यानी कि रीनल ट्यूब्यूल पे। तो रीनल ट्यूब्यूल में से क्या, ये जो सी एट वाइस प्लस है वो कहाँ पे आएंगे? ये कैपिलरी के ब्लड में आ जाएंगे वापस। तो इस तरह से पीटीएच जो था कहाँ, ब्लड में था, अफेक्ट किसके ऊपर किया, जो सेल है ठीक है रीनल ट्यूब्यूल के उसके ऊपर। तो कैल्शियम जो है वो कहाँ पे आ गया, कैपिलरी में आ गया। तो इस तरह से पीटीएच ने क्या किया, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन किया, समझे ना आप? तो इस तरह से ये होता है। तो अब वापस आते हैं हमारी जो चर्चा हम जो कर रहे थे। देखिए यहाँ पे आप देखिए, ये जो है हमारा जो बॉडी है, मान लीजिए कि नॉर्मल रेंज में है, नॉर्मल रेंज आपको दिखाया, ठीक है? तो कैल्शियम का लेवल जो है नॉर्मल रेंज में क्या है, जब नॉर्मलाइज सिचुएशन में सी एट वाइस प्लस कैसा है, नॉर्मल है, ठीक है? अब मान लीजिए कि क्या होता है, देखिए स्टिम्यूलस क्या, मान लीजिए कि ब्लड में क्या हुआ, कैल्शियम की जो मात्रा है वो कम कम हो गई नॉर्मल रेंज से। तो नॉर्मल रेंज से अगर कम हो गया तो फिर क्या होगा, तो देखिए रिसेप्टर जो हैं, ठीक है, उसके मार्फत देखिए अब क्या होता है, डिटेक्ट हो, रिसेप्टर डिटेक्ट कर लेंगे कि भाई ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम है। तो उसकी वजह से होता क्या है, देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कैल्शियम की मात्रा कम है, सी एट वाइस प्लस कम है ब्लड में। तो चीप सेल इन दी पैराथायराइड ग्लैंड डिटेक्ट अ लो ब्लड सी एट वाइस प्लस लेवल। ये जो देख रहे हैं आप, पैराथायरॉयड के चीप सेल हैं वो डिटेक्ट कर लिया उन्होंने कि ब्लड में सी एट वाइस प्लस की जो मात्रा है वो कम हो गई है। तो अब क्या, अब कंट्रोल सेंटर में क्या हो रहा है, तो जो चीप सेल हैं वो क्या करते हैं, इंक्रीज पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रेशन। चीप सेल जो है वो ज़्यादा मात्रा में पीटीएच का सिक्रेशन करेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं पीटीएच का जो सिक्रेशन है वो हो रहा है, ठीक है? पीटीएच कहाँ पे आ रहा है, ब्लड में आ रहा है, ठीक है? तो अब पीटीएच ब्लड में आया तो अब ये पीटीएच क्या करता है, देखिए एक तो एक इसकी इफेक्ट क्या है, पीटीएच की ऑस्टियो बोन के जो ऑस्टियोक्लास्ट हैं इसके ऊपर पीटीएच है ना अफेक्ट करेगा। तो उसकी वजह से जो ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो क्या करेंगे, स्टिम्युलेट टू डिग्रेड बोन इंक्रीजिंग सी एट वाइस प्लस। तो ये सी एट वाइस प्लस जो है वो कहाँ पे आएंगे, तो सी एट वाइस प्लस बोन में से देख रहे हैं आप, बोन में से कहाँ पे आ रहे हैं, सी एट वाइस प्लस ब्लड में आए, ये एक तरीका है। फिर दूसरा, दूसरा क्या, पीटीएच कहाँ पे असर करता है, किडनी पे। तो किडनी जो है, ठीक है ना, तो किडनी क्या करेगी है ना, किडनी में हमें अभी हमने जो बात करी कि भाई रीनल ट्यूब्यूल जो है उसमें से सी एट वाइस प्लस जो है उसका ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, जो फिल्ट्रेट है उसमें से, तो फिल्ट्रेट में से सी एट वाइस प्लस एब्जॉर्ब हुआ और वो ब्लड में आएगा। अच्छा दूसरी बात, विटामिन डी की जो बात हम कर रहे थे, तो पीटीएच के कारण किडनी जो है, किडनी में क्या होता है, पीटीएच जो है वो क्या करता है, विटामिन डी को उसके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है विटामिन थ्री, या तो कैल्सिट्रायोल, ठीक है? और ये कैल्सिट्रायोल जो है वो क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में से हमारा जो फूड है डाइजेस्टेड उसमें से सी एट वाइस प्लस का एब्जॉर्प्शन करवाता है। और ये विटामिन डी थ्री या तो कैल्सिट्रायोल की वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन में से सी एट वाइस प्लस एब्जॉर्ब हुआ, और एब्जॉर्ब सी एट वाइस प्लस कहाँ पर आ रहा है, ब्लड में। तो इस तरह से अब क्या हुआ, ब्लड में सी एट वाइस प्लस की जो मात्रा है वो नॉर्मलाइज हो गई, बढ़ गई, ठीक है? तो अब वापस बॉडी जो है ना नॉर्मल रेंज हो गया, यहाँ पे देखिए आप, ठीक है? तो होम्योस्टेटिक जो रेंज है वो सी एट वाइस प्लस की अब इस तरह से अचीव हो गई। पूरा जो फिगर है ध्यान से देखना, सभी बातों को अच्छे से समझना, ठीक है? इस तरह से चलिए।
दूसरा भी एक कॉन्सेप्ट मैप है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है देखिए, देखिए क्या लिखा है, हाइपो कैल्सेमिया, लो ब्लड सी ट्वाइस प्लस, उसकी वजह से पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या करती है, पीटीएच का जो रिलीज़ है वो बढ़ा देती है। ठीक है, अब क्या होता है, पीटीएच का इफ़ेक्ट किस तरह से होता है, तो एक जो है ना, एक क्या पीटीएच क्या करेगा, विटामिन डी को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। कहाँ पे, किडनी में। तो विटामिन डी अब क्या करेगा, विटामिन डी की वजह से अब क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है हमारे फूड में से। ठीक है, दूसरी बात के जो फिल्ट्रेट है उसका, उसमें से फिल्ट्रेट में से भी सी एट वाइस प्लस जो है उसका री एब्जॉर्प्शन है ना, उसमें भी जो पीटीएच है वो इन्वॉल्व है। फिर तीसरी बात क्या, तो ऑस्टियोक्लास्ट जो है उसके ऊपर पीटीएच अफेक्ट करता है, तो उसकी वजह से क्या सी एट वाइस प्लस जो है, तो ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी इन बोन कॉजेज सी एट वाइस एंड पी ओ फोर थ्राइस माइनस रिलीज इन टू ब्लड। तो सी एट वाइस प्लस पी ओ फोर थ्राइस माइनस जो है वो ब्लड में आते हैं। ठीक है, तो देखिए ये पूरा जो कॉन्सेप्ट मैप है ये आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, तो इतना भी आप देख लेते हैं तो इसमें से भी आपको पूरी बात जो है वो समझ आ जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ में ये जो प्रेजेंटेशन लेक्चर है पैराथायरॉयड हार्मोन के बारे में, ये प्रेजेंटेशन लेक्चर अब यहाँ पे समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि ये जो प्रेजेंटेशन लेक्चर था पैराथायरॉयड हार्मोन के बारे में, पीटीएच के बारे में, इससे जो है आप जो है आपकी परीक्षा की तैयारी और आपका जो अभ्यास है वो अच्छे से कर पाएंगे। मेरा नाम मनीष कोष्टी सर है, मैं अहमदाबाद से हूँ। बाय बाय, नमस्ते।